दिखाया जाता है एक आदमी जो ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है। उस आदमी का नाम मार्टिन होता है, जो तकरीबन 40 साल का होता है और दिखने में काफी मोटा होता है। उसे अज़मा भी होता है और हर कोई उसे यूजलेस समझता था कि वो एक बेकार इंसान है। वो लंदन के एक पार्किंग लॉट टूल पर काम करता था और कई दफा रिवाइंड करके वो ह्यूमन सेंटीपीड मूवी देख चुका था। फिर अचानक से वो पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज में हलचल को महसूस करता है। जब वो गौर करता है तो देखता है कि पार्किंग में एक यंग कपल है जो आपस में झगड़ रहे होते हैं। उसमें लड़के का नाम इयान होता है और उसके पास उसके फादर की कार होती है जिसकी चाबी वो गुम कर चुका होता है। मार्टिन लोहे का एक रॉड लेता है और उस कपल के पास चला जाता है। इयान सोचता है कि मार्टिन वहाँ पर शायद उसकी कार का लॉक तोड़ने आया है, जिस पर वो उसे काफी बुरा भला कहता है। अपनी इंसल्ट सुनते ही मार्टिन एक पिस्टल जो कि उसने अपनी पॉकेट में छुपाई होती है फौरन उसे निकालता है और उस पिस्टल से इयान के पांव पर शूट कर देता है। ये देखकर इयान की फ्रेंड काफी चिल्लाती है। जब मार्टिन उसे देखता है तो वो उसके पेट में भी एक गोली मार देता है और फिर उसी लोहे के रॉड से उन दोनों के सरों पर भी वार कर देता है और वो फौरन बेहोश हो जाते हैं। फिर मार्टिन वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आता है, वो दोनों को उसमें डालता है और दोबारा अपने केबिन में आकर ह्यूमन सेंटीपीड मूवी देखना शुरू कर देता है। मार्टिन के पास एक बुक भी होती है, वो उस पे हाथ रखता है और उसमें सिर्फ ह्यूमन सेंटीपीड मूवी की पिक्चर्स और उसकी एक्ट्रेस की इमेज होती है। फिर वो अपने ट्रक को लेकर एक ऐसे घर की तरफ जाता है जो उसने अभी रेंट पर लिया होता है, और जब उस घर का मालिक पैसों की डिमांड करता है तब मार्टिन उसे भी लोहे के रॉड से मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इयान और उसकी फ्रेंड को उस घर में लेकर आता है जिसे एक टेप से मजबूती से बांधा गया था। इसके बाद मार्टिन एक सीजर लेता है और इयान की फ्रेंड के कपड़े पहले तो उससे काटता है और उसके बाद सारे उसके कपड़े उतार देता है। तब फौरन मार्टिन के पास एक्टिंग मैनेजमेंट कंपनी की कॉल आती है। वो मार्टिन को कहते हैं कि सेंटीपीड के एक्टर्स लंदन के ऑडिशन के लिए नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग काफी बिजी हैं और कोई भी डेट उनके पास फ्री नहीं है, और ये कहते ही वो फोन कट कर देते हैं। अगले दिन मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है और अपने बेड पर बगैर कपड़ों के लेटा होता है। तभी उसकी मदर वहाँ पहुँच जाती है और काफी चिल्ला चिल्ला कर उसे उठा देती है क्योंकि वो अभी तक सो रहा था और आज ही उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली हुई थी। और इसके बाद उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। अपनी मदर के जाने के बाद वो फिर से अपनी बुक को देखता है और कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। सबसे पहले वो जो काम करता था वो ये था कि उसका पेट एक सेंटीपीड था, वो सबसे पहले तो उसे फीड करता था और फिर डॉक्टर के पास जाता था। बाहर मार्टिन की मदर डॉक्टर को ये बता रही होती है कि मैंने मार्टिन को अक्सर सुना है कि वो 12 लोगों की सेंटीपीड की बात करता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है कि सेंटीपीड के काटने का जो दर्द है शायद वो मार्टिन महसूस करता है क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके फादर उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करते थे, जिस पर चिल्ड्रन राइट्स वालों ने उसके फादर को जेल भिजवा दिया था। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल मार्टिन की मदर फिर भी मार्टिन को ही समझती थी, मगर उसके डॉक्टर को भी इस बात का ज्यादा असर नहीं था क्योंकि वो भी मार्टिन की मेंटल इलनेस का फायदा उठाकर कई बार उसे सेक्सुअली अब्यूज कर चुका था। और यही वजह थी कि मार्टिन उस डॉक्टर को भी पसंद नहीं करता था और उससे काफी नफरत करता था। डॉक्टर के जाते ही मार्टिन और उसकी मदर दोनों लंच कर रहे होते हैं। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि वो मार्टिन की वजह से बहुत अपसेट रहती है। यही सोचकर उसने डिसाइड किया है कि वो मार्टिन और खुद को जान से मार डाले। तभी अचानक से उन लोगों के घर के ऊपर वाले फ्लोर से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है, जिससे मार्टिन की मदर को काफी डिस्टर्बेंस होती है और वो छत को पीटना शुरू कर देती है और वो शोर ऊपर रहने वाले लोग सुन लेते हैं। वहाँ पर दरअसल एक अग्रेसिव बॉडी बिल्डर रहता है। वो आते ही मार्टिन को काफी मारपीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मार्टिन काफी जख्मी हो जाता है। इन सब के बाद भी काफी मर्तबा मार्टिन ह्यूमन सेंटीपीड देख चुका था और वो डॉक्टर जोसेफ की तरह ही ट्रीट करता है और उसी की तरह का लैब कोट पहनता है। फिर एक दिन वो अपने पार्किंग लॉट में एक कपल को किडनैप करता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। उनके बाद वो दो और लड़कियों को किडनैप करता है और उसे घर में लेकर आता है जहाँ उसने बाकी लोगों को रखा हुआ है। सबसे पहले तो वो उनके क्लॉथ्स को रिमूव करता है और उन्हें एक सीढ़ी लाइन में नीचे लेटा देता है। इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद अचानक से मार्टिन को अस्थमा का अटैक होता है। वो अपने से मेडिसिन लेता है और अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। तभी फौरन फिर से एक्टिंग मैनेजमेंट कंपनी की कॉल आती है और अब वो लोग कहते हैं कि सेंटीपीड मूवी की एक्टर एक्चुअली यानी ऑडिशन के लिए आने को रेडी है और वो लंदन आने वाली है। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे कुछ अर्सा पहले मार्टिन उन लोगों को बता चुका होता है कि वो डायरेक्टर क्वेंटिन टोरंटो का एजेंट है
और डायरेक्टर ओरेंडो ह्यूमन सेंटीपीड के एक्टर से इतना इम्प्रेस हुए हैं कि वो उनके साथ पार्ट 2 भी बनाना चाहते हैं, जिसका ऑडिशन उन्होंने लंदन में रखा था। फिर आधी रात दिखाई जाती है, जब मार्टिन अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी मदर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्टिन अपनी मदर के इरादे समझ जाता है। मार्टिन की मदर को उसके बेड के नीचे से वो बुक मिल जाती है जिसमें ह्यूमन सेंटीपीड की सारी डिटेल्स लिखी होती है, और उसी बुक में मार्टिन ने 12 लोगों के साथ ह्यूमन सेंटीपीड वाले ऑपरेशन का भी जिक्र किया था। तब उसकी माँ उसके इरादे समझ जाती है, वो काफी गुस्से में आ जाती है और उस बुक को फाड़ देती है। ये देखकर मार्टिन काफी अपसेट हो जाता है। फिर मार्टिन अपना लैब कोट पहनता है और अपने सेंटीपीड्स जो कि उसने पाले होते हैं उनसे अपनी मदर को कटवाता है, और फिर अपनी माँ के सर पे काफी रॉड मारता है, और मौके पे ही उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो अपनी मदर की डेड बॉडी के साथ लंच करता है, और जब ऊपर फ्लोर वाला बॉडी बिल्डर वहाँ पर पहुँचता है तो वो उस रॉड से उसे भी मारकर जख्मी कर देता है। ये सब करने के बाद वो अपने पार्किंग टूल में अपने ही डॉक्टर को भी गोली मार देता है, और फिर अपने ही ड्राइवर और वहाँ से एक और लड़की को भी किडनैप करता है और उन्हें अपने घर जो कि उसने रेंट पर लिया होता है वहाँ ले आता है। तभी उसके पास एक्टर एचली यनी का मैसेज आता है कि वो 6 बजे लंदन पहुँच जाएगी, और मार्टिन एग्जैक्ट टाइम पर एयरपोर्ट से यनी को अपने ट्रक में ले आता है। यनी काफी एक्साइटेड थी कि क्वेंटिन टोरंटो के ऑडिशन के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन वो क्या जानती थी कि मार्टिन के दिल में क्या चल रहा है, उसे क्या पता होता है कि मार्टिन के इरादे क्या हैं। मार्टिन यनी को भी उस घर में लेकर जाता है, और जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है वो उसके सर पर भी लोहे के रॉड से वार करके उसे बेहोश कर देता है। अपने बैग से वो कुछ सर्जिकल टूल्स और वही पेंटिंग निकालता है। मार्टिन के पास वहाँ पर पूरे 12 लोग हो चुके होते हैं, और वो डॉक्टर जोसेफ की तरह ही एक ह्यूमन सेंटीपीड का मॉडल बनाने जा रहा था। पहले तो वो डॉक्टर जोसेफ की तरह ही उन सबकी बॉडीज पर निशान लगाता है, इसके बाद वो उनके घुटने के लिगामेंट्स को निकाल देता है। ये सब कुछ ना तो वो सर्जरी के जरिए करता है और ना ही उन्हें कोई फेट इंजेक्शन देता है, बस वो छोटे से 2 औजार इस्तेमाल कर रहा था, एक किंजी और एक छोटा सा हैमर, कि वो 1 by 1 सबके दांतों को बाहर निकालता है। सब लोग काफी चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो एक मजबूत टेप से बंधे होते हैं इसलिए वो अपनी मदद नहीं कर सकते थे। पहले तो मार्टिन एक आदमी के हिप की स्किन को निकालता है, लेकिन उसका काफी खून बह जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये इंसिडेंट देखकर मार्टिन काफी अपसेट हो जाता है। इसके बाद वो उस प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर बाकी सबको ह्यूमन सेंटीपीड की तरह जोड़ता है, जैसे एक की फेस को दूसरे की बैक साइड से, और इसी तरह दूसरे की बैक साइड से तीसरे का माउथ जोड़ देता है, और ये सब कुछ वो स्टेपलर के जरिए करता है, और 1 by 1 उन्हें स्टेपलर करता जाता है और टेप से एक दूसरे को बांध देता है ताकि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो सके। और फाइनली वो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़कर 10 लोगों का एक सेंटीपीड बना देता है, और सबसे आगे यनी थी, और वो भी डॉक्टर की तरह यनी को ही फीड करवाता था, लेकिन वो नहीं खाती। फिर वो एक पाइप और एक फरल लेता है और उसके जरिए यनी के मुंह में खाना डालता है, और फौरन उसके पास कॉल आती है। वो लोग कहते हैं कि सेंटीपीड के बाकी एक्टर भी मून की ऑडिशन के लिए आ रहे हैं। मार्टिन कॉल पर था तब पीछे से यनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो गया, और वो एक कैंची लेता है और यनी की जुबान काट देता है, और उसे काफी ब्लीडिंग होती है। मार्टिन सबको लेक्सेटिव के इंजेक्शन देता है जिससे उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं, और एक इंजेक्शन वो कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को देता है जिससे कि उनका पेट साफ हो जाए, और देखते ही देखते उन सब लोगों को मोशन लग जाते हैं। पहले तो मार्टिन इस मंजर को काफी इंजॉय करता है, लेकिन ये मंजर काफी डिस्टर्बिंग था, काफी गंदा सीन था, और ये देखकर मार्टिन को भी वॉमिटिंग लग जाती है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी जो सेंटीपीड का हिस्सा नहीं थी उसे पेन होता है, वो भागकर बाहर कार में आकर बैठ जाती है, और गाड़ी में ही उसका बच्चा हो जाता है, और अंदर मार्टिन का वो सेंटीपीड जो कि एक दूसरे से अलग हो रहा था क्योंकि वो टूट रहा था और सब लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। ये देखकर मार्टिन शदीद गुस्से में आ जाता है और वो एक एक करके सबके गलों को काट कर उन्हें मार रहा होता है। और जब मार्टिन यनी को मारने उसके पास आता है तब वो उसकी टांगों के बीच में मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो एक फनल लेती है और मार्टिन की बैक साइड पर वो उसके पाले हुए सेंटीपीड को वहाँ पर छोड़ देती है, जिससे मार्टिन बुरी तरह तड़पना शुरू कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि अपने पार्किंग टोल में बैठकर ह्यूमन सेंटीपीड मूवी देख रहा होता है। जो कुछ भी मार्टिन ने किया या तो वो उसकी इमेजिनेशन थी या फिर उसने सच में ही एक सेंटीपीड बना दिया था, और दोबारा अपने काम पर आके जो उसकी फेवरेट मूवी यानी ह्यूमन सेंटीपीड उसको देख रहा था, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।